हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ छोटे बच्चे के, जो हमारे 0 to 4 ईयर का बेबी बॉय होता है उसके प्राइवेट पार्ट को हम कैसे खोलें। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। बहुत इन्फॉर्मेशनल है, बहुत ही जरूरी है। जो नई माएँ बनी है और जिनके बेबी बॉय है, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत लोग हमें डराते रहते हैं जो नई माएँ बनती हैं, कि अगर आपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से नहीं खोला, अच्छे से नहीं साफ किया, तो बच्चे को आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इन पार्ट्स की, अगर बच्चे की हम शुशु की बात करें, जो बच्चे का प्राइवेट पार्ट होता है, तो उसकी सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चा बार बार यूरिन पास करता है, अगर आप उसकी अच्छे से सफाई नहीं करेंगे तो उसमें बहुत ही दिक्कत हो सकती है। अगर आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट को नहीं खोलेंगे तो बच्चे की जो स्किन है, जो ब्राउन स्किन होती है बच्चे की ऊपर और अंदर एक पिंक स्किन होती है, तो ब्राउन स्किन को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जिससे कि आप बच्चे के शुशु की अच्छे से सफाई कर सकें। और इसको खोलना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इसको समय से रहते नहीं खोल पाते हैं, तो आगे चलकर आपको हो सकता है कि इसको आपको ऑपरेट भी कराना पड़े। तो अगर आपका बच्चा अभी 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है और 4 साल से कम है, तो आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट को बहुत ही आसानी से घर पर खोल सकते हैं। इसको खोलना बहुत ही आसान है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर कभी भी गंदे हाथ ना लगाएं। कभी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट की जो ब्राउन स्किन होती है, जो बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है उस पर जो एक ब्राउन स्किन होती है, उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से ही आपको नीचे करना है। कभी भी इसको नीचे करते वक्त आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही धीरे धीरे आप इस काम को करें। चलिए बात कर लेते हैं कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को आप कैसे खोल सकते हैं। जब आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर होता है, या 2 महीने का है, 3 महीने का है, तब से आप बच्चे की स्किन को खोलना शुरू कर सकते हैं। बच्चे की शुशु को खोलना बहुत ही आसान है, लेकिन इस काम को आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है, क्योंकि बच्चे को आपको ऑपरेट कराने से अच्छा है कि आप घर पर ही कुछ आसानी से ही इसको खोल दें। क्योंकि बड़े होने पर बच्चों की शुशु को खोलना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक वाइट वाइट परत सी जम जाती है, गंदगी जम जाती है, इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ही अधिक खतरा रहता है। बच्चे को हो सकता है कि यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो, बच्चे को दर्द हो, तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टॉयलेट नहीं जाते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो यूरिन पास करने में वो रोता बहुत है, और ऐसे में वो टॉयलेट जाने से बचता है तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बेबी बॉय की शुशु को खोलना बहुत ही जरूरी होता है। बेबी बॉय की शुशु पर 2 स्किन होती है, एक तो ऊपर एक ब्राउन स्किन होती है और अंदर उसके एक पिंक स्किन होती है। तो वो जो ब्राउन स्किन होती है बच्चे की शुशु पर, हम उसको हल्का सा नीचे कर करके खोलते हैं। जब आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं, तो आप उस पर हल्का सा सरसों का तेल लगाइए और बच्चे की शुशु की स्किन को हल्का सा ऊपर नीचे कीजिए। आप इसको अगर डेली करेंगे तो बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट है उसकी स्किन बहुत ही जल्दी, फॉर स्किन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही जल्दी धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। और आपको कोई और ऑयल इस पर अप्लाई नहीं करना है, केवल आपको सरसों के तेल की 1 से 2 बूंदे ही ऊपर की तरफ से डालनी है। जो बच्चे की शुशु को इस तरीके से पकड़ना है, उसको ऊपर हल्का सा ऑयल डालना है। इस ज़्यादा ऑयल भी ना डालें और हल्का सा ऊपर नीचे करें। इससे आपके बच्चे की शुशु की जो ब्राउन स्किन है धीरे धीरे खुलने लगेगी। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है कि उसको खुलने में थोड़ा टाइम भी लग जाए। अगर बच्चा छोटा है, उसकी स्किन थोड़ी सी नाजुक होती है, तो थोड़ा जल्दी खुल जाती है। लेकिन आपको ऐसा करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें, बहुत जल्दबाजी में इसको ना करें, हो सकता है इससे बच्चे को ब्लड भी निकल जाए। बहुत हल्के से हाथों से आपको ये करना है। दूसरी चीज है, जब आप बच्चे को नहलाते हैं, तो बच्चे को नहलाते वक्त एक साफ कपड़े पर लेटा लीजिए, एक हाथ से बच्चे की शुशु की जो ब्राउन स्किन है उसको थोड़ा सा नीचे कीजिए और एक मग में पानी लेकर थोड़ी सी ऊंचाई से धार उसके शुशु पर डालिए।
इससे क्या होगा, एक तो आपके बच्चे के शुशु की अच्छी सी सफाई हो जाएगी, अंदर भी अगर बच्चे की गंदगी जम गई है कुछ तो बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन, बच्चे की स्किन पर इन्फेक्शन होने का भी खतरा कम हो जाता है। बच्चे की स्किन पर अगर रैशेज हैं या ऊपर कोई इन्फेक्शन है तो धीरे धीरे वो बच्चे के यूरिन इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो नहलाते वक्त भी आप बच्चे की स्किन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, इससे भी बच्चे की जो शुशु की ब्राउन स्किन है वो बहुत ही जल्दी खुल जाती है। क्योंकि अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा हो जाता है तो बच्चे की स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है, फिर उसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे की स्किन को, आपका अगर 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तभी से उसको खोलने की कोशिश करें और वो धीरे धीरे खुल जाती है। ऐसे में आपको बच्चे को ऑपरेट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपका बच्चा बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाता है, यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है। बच्चे के जब गंदगी नहीं जमेगी तो बच्चे की स्किन पर भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी संक्रमण बच्चे की स्किन पर नहीं फैलेगा। तो आप इस तरीके से बच्चे की शुशु की जो स्किन है उसको खोल सकते हैं। इससे आपका बच्चा हमेशा ही स्वस्थ बना रहेगा। बच्चे के फेस और बॉडी की पूरे अच्छे का ध्यान रखना होता है। बच्चा छोटा होता है, अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता है, इसलिए जो नई मॉम्स बनी हैं, जो माता पिता हैं, उन्हीं को बच्चे का पूरा ख्याल रखना होता है। बच्चे के फेस के साथ साथ बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर भी आपको बहुत अधिक ध्यान देना होता है, जिससे बच्चे को आगे चलकर कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस आसान तरीके से आप बच्चे की शुशु की स्किन को खोल सकते हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स मेरा यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।